नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज के एक और फ्रेश एपिसोड में, और लेके आऊंगा आप सभी के लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपडेट आता है वो आता है गूगल पिक्सल 3 एक्सल के प्री ऑर्डर को लेके, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो गूगल पिक्सल 3 एक्सल लॉन्च होगा उसके कुछ ही दिनों के बाद, मतलब उसी दिन या फिर उसके अगले दिन से इसका प्री ऑर्डर चालू हो जाएगा। और ये जो गूगल पिक्सल 3 एक्सल लॉन्च होने वाला है वो अक्टूबर के महीने में लॉन्च होगा, 17 अक्टूबर को लॉन्च होगा। तो जो लॉन्च होते हैं उसका जो प्री ऑर्डर है वो चालू हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप गूगल पिक्सल खरीदना पसंद करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आता है वो आता है आसू जेनफोन मैक्स प्रो M1 को लेकर, जहाँ पर ये 6 महीने में ही इसका जो 1 मिलियन का जो स्टॉक था वो बिक चुका है, यानी कि लगभग 10 लाख के करीब इसका जो यूनिट है वो बिक चुका है मात्र 6 महीना में। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आसूस ने कुछ नया ट्राई किया था और मतलब सौमी से कम रुपए में ही उससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस दे के दिखलाया था, जो कि 11,000 का ही बेस मॉडल होता है। बेस मॉडल उसका जो सबसे लोएस्ट वाला मॉडल है वो आता है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 636 मिलता है, जिसमें आप पबजी आराम से खेल सकते हो। तो ये नया ट्राई किया था आसूस और उसका फोन काफ़ी बिका और यहाँ पे रिजल्ट आया कि 6 महीना में ही 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्टॉक। अगला अपडेट आता है वो आता है पैनासोनिक इलुगा रे X1 को लेके, X1 प्रो को लेके, जहाँ पे ये लॉन्च हो चुका है। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.13 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और जो इसकी मतलब बैटरी MAH है वो है 3000 mAh की। और इसमें आपको मिल जाएगा 13+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और एंड्रॉइड 0.1 ऑरियो भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक सभी तरह के सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। तो ये पैनासोनिक लॉन्च कर दिया अपना नया फिट आता है वो आता है मोटो G7 को लेके, जहाँ पे इसमें एक रेंडर निकल के है, सॉरी इसका एक रेंडर निकल के है, उससे ये पता चलता है कि ये जो स्मार्टफोन होने वाला है उसमें वाटर नॉच डिस्प्ले होगा, यानी कि आपको छोटा सा बस वाटर नॉच देखने को मिलेगा, जिसे आपको वीवो के और ओप्पो के फोन में देखने को मिल जाता है देखने को। और आपको रियर में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, रियर माउंटेड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कब तक भारत में जो फोन है मोटो G7 लॉन्च होता है। कुछ भी करें लेकिन मोटोरोला इसको अच्छे प्राइस टैग के साथ ले आए तो ये फोन काफ़ी ज़्यादा बिकेगा भारत में। तो अगर मतलब अच्छे प्राइस पे लाता है तो ये बिकेगा। अभी जो फिलहाल में ये मोटोरोला लॉन्च किया था मोटोरोला 1 पावर, वो भी अच्छा स्मार्टफोन था। अगर उसी के मतलब उसी की तरह प्राइस रेंज पे लाता है तो काफ़ी चलेगा स्मार्टफोन ये मोटो G7। वैसे जी लाइनअप का जो स्मार्टफोन होता है वो अच्छा ही होता है, तो जैसे मोटो G5S+, मोटो G5 सभी हिट करते हैं फोन। तो देखते हैं ये मोटो G7 क्या आता है। वो भी आता है गूगल पिक्सल 3 एक्सल को ही किले के, जहाँ पे इसमें मतलब बताया जा रहा है कि ये जो गूगल पिक्सल 3 एक्सल होने वाला है उसमें तो ये पता ही है जो डुअल फ्रंट कैमरा होगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें जो सुपर सेल्फी मोड होगा, यानी कि पता नहीं अब क्या होगा, बोके था अभी कुछ नया लेके आया सुपर सेल्फी मोड, देखते हैं ये क्या होता है और मतलब किस तरह की इमेजेस क्लिक करता है ये सुपर सेल्फी मोड गूगल की तरफ से आने वाला है गूगल पिक्सल 3 एक्सल में। वो होता है इंस्टाग्राम की तरफ से, जहाँ पे इंस्टाग्राम में एक अपडेट आया और इस अपडेट के मतलब अपडेट आएगा और उस अपडेट के द्वारा मतलब आप मतलब लाइव अपना जो लोकेशन है उसको शेयर कर सकेंगे, और जो फेसबुक का हिस्ट्री है वो भी आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से देख सकेंगे। तो ये आया है अपडेट। फाइनल अपडेट आता है वो आता है गूगल पे को लेके, जहाँ पे अब गूगल मतलब 23 US के बैंक्स और 4 इंटरनेशनल बैंक भी सपोर्ट करेगा, यानी कि जो भी 4 इंटरनेशनल बैंक है जो कि लगभग सभी कंट्रीज में वर्क करते हैं वो अब गूगल पे सपोर्ट करेगा, और 23 US का जो बैंक है वो भी सपोर्ट करेगा। और आप इन सभी बैंकों से मतलब ये सो अभी गूगल पे पे सपोर्ट करेंगे उसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएं जय भारत।